हेलो स्टूडेंट्स, आज हम राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने जैसे देखा और ये माना था कि राज्य की उत्पत्ति के साधनों में देवी सिद्धांत यानी ईश्वर ने राज्य और राजा को पृथ्वी पर अवतरित किया, शक्ति सिद्धांत जिसके बाद शक्ति की उसके द्वारा राज्य का निर्माण हुआ, या सामाजिक समझौते का सिद्धांत कि एक दूसरे को के साथ समझौता कर राज्य का निर्माण हुआ। तो ये तीन सिद्धांतों में हमने एक बात कॉमन देखी कि इसमें राज्य का निर्माण हुआ ऐसा बताया गया है। अब ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि इन तीनों को सिरे से नकार दिया गया। तो निश्चित रूप से राज्य का निर्माण तो नहीं हुआ, राज्य तो बना, पर अब कैसे बना? निश्चित रूप से राज्य का विकास हुआ होगा। और विकास करने के संबंध में क्या हुआ कि राज्य का निर्माण न होकर विकास हुआ, इसके संदर्भ में हम ये कहेंगे कि जैसा कि गवर्नर ने कहा, राज्य न ही ईश्वर की कृति है और न उच्च कोटि की शक्ति का परिणाम है, न किसी समझौते से बना। यानी ये तीनों बातें आ गई, तीन सिद्धांत आपको याद होगा। ईश्वर की कृति किसमें माना गया था? देवी सिद्धांत में। शक्ति सिद्धांत में उच्च कोटि की शक्ति का परिणाम माना गया, और न ही किसी समझौते से बना है, यानी समझौता सिद्धांत की बात कह रहे हैं। तो उनका कहना है जब हम तो क्रमिक विकास से उत्पन्न एक ऐतिहासिक संस्था है, ठीक है। तो इस प्रकार डॉक्टर गार्नर की ये बात को हम और आगे बढ़ाते हैं और उसको स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि निश्चित रूप से राज्य का निर्माण नहीं हुआ है बल्कि क्रमिक रूप से इसका विकास। तो कैसे? जैसे कि जब पहली बार शब्द नहीं थे तो शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई होगी? निश्चित रूप से कुछ बड़बड़ा कर, और फिर बाद में मैंने अर्थहीन बड़बड़ाहट जिसको बोलेंगे, और फिर बाद में इसका विकास हुआ तो अब अर्थयुक्त शब्द निकलते हैं। वैसे ही राज्य का विकास कैसे हुआ होगा तो इसके बारे में कई बातें आती है, जिनमें कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगी जिसमें ऐसा माना गया है कि पहला पॉइंट होगा रक्त संबंध। रक्त संबंध का अर्थ क्या होता है? कि एक ही परिवार के लोगों का। तो रक्त संबंध के संदर्भ में ये कहा हुआ है कि जो समाज का विकास है, मेटाइवर ने भी कहा है कि रक्त संबंध के जो है वह समाज को जन्म देता है और कालांतर में यह समाज राज्य को जन्म देता है। अर्थात एक ही परिवार के लोगों का एक साथ रहना यानी एक छोटा संगठन माना गया है, और कालांतर में जनसंख्या विकास जब हुआ होगा तो उनका एक कुल बना, गोत्र बना, कबीला बना, और इस प्रकार एक समाज का निर्माण होगा, और यह समाज कालांतर में राज्य के रूप में हमको दिखाई देने लगा है। तो इस प्रकार ऐसा भी माना जाता है कि जब ये राज्य का निर्माण हुआ तो कुछ लोगों का कहना है कि ये मातृ सत्तात्मक रहा, यानी माता प्रधान रहा, किसी का कहना है पितृ सत्तात्मक रहा, किसी का कहना है कि सारे राज्य का विकास एक साथ हुआ। तो ये सब तो स्पष्ट नहीं है कि सारे राज्य का विकास एक साथ हुआ, क्योंकि अलग अलग परिस्थितियां, स्थान, परिवेश, वातावरण और आदतें, इन सब के कारण जो राज्यों का विकास हुआ है वह एक समान गति से तो नहीं हुआ है, पर हाँ यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि राज्य का विकास क्रमिक रूप से। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं धर्म। अब धर्म का कहना है, धर्म यानी ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाले धर्म की बात नहीं, आदि मानव समय में जब मनुष्य ने संगठन बनाना शुरू किया तो उस समय धर्म का अर्थ ये हुआ कि मनुष्य में न ही बौद्धिक विकास हुआ था और न ही तार्किक, तो वो प्राकृतिक घटनाओं से डर जाया करता। कालांतर में उसने इन जो प्राकृतिक घटनाएं हैं इनके प्रति समर्पण करना शुरू किया, यानी उनकी पूजा करना शुरू किया, अर्थात अग्नि, जल, वायु, नदी, पर्वत, इन सब की उन्होंने पूजा करना शुरू किया। अब ये जो पूजा करना शुरू किया तो एक ही परिवार के लोगों का एक ही समान पूजा करने का तरीका हुआ। कालांतर में एक ही कुल, गोत्र और कबीले ने एक ही ईश्वर को और एक ही समय पूजा पद्धति को अपनाया। तो इस प्रकार ये धर्म ने इन लोगों को संगठित करना शुरू किया। फिर आगे देखिए तो हुआ क्या कि कुछ ऐसा व्यक्ति था जिसका बौद्धिक
जो विकास हुआ वो कुछ अधिक हुआ होगा, या और वो शक्तिवर्धक भी हो गया उसका, वो शक्तिमान भी होगा। तो ऐसी स्थिति में उसने इन लोगों को डराना शुरू किया। कैसे कि यह जो वर्षा, अत्यंत ज्यादा वर्षा हो रही है, या जो सूखा पड़ रहा है, कृषि में जो अभी लाभ हुआ है या जो हानि हुई है, जो वातावरण बिगड़ रहा है या सुधर रहा है, तो इन सब को मैं ही काबू में रख सकता हूँ। तुमने जो युद्ध जीता है किसी कबीले से, तो उसके जीत का कारण भी मैं ही हूँ। तो इस प्रकार लोगों ने उसको अपना नायक मान लिया। बदले में उसने इनको सुरक्षा दी। तो इस प्रकार यह नायक जब बन गया, तो इसके मन में लालच हुआ और इसने अन्य कबीलों को भी जीता। इस प्रकार राज्य का विस्तार करता रहा और एक साम्राज्य की स्थापना हुई। तो इस प्रकार धर्म के द्वारा भी लोगों का संगठन शुरू हुआ और कालांतर में वह राज्य का रूप ले सका। तीसरी बात, युद्ध। जब मनुष्य आदि मानव अवस्था से बाहर निकला, तो धीरे धीरे उसने कृषि को अपनाया, पशुपालन को अपनाया। जब कृषि को अपनाया, तो कृषि से संबंधित अन्य साधनों को भी अपनाया, यानी अब बढ़े लोहार, ये लोग हो गए। तो इन्होंने युद्ध से संबंधित सामग्री तैयार, यानी हथियारों को तैयार करना शुरू किया। जिनके हथियार अधिक अच्छे थे, उन्होंने युद्ध के द्वारा अन्य कबीलों को जीत लिया। तो इस प्रकार युद्ध के लिए सेना बनने लगी, लोग इकट्ठे होने लगे, और इस प्रकार यह युद्ध लोगों को संगठित करने का पर्याय बन गया। जो युद्ध जीत लेता, वह अन्य राज्यों को अपने अधीन कर लेता। इस प्रकार यह राज्य का विस्तार होता चला गया। तो इस प्रकार युद्ध ने भी लोगों को संगठित करने का और कालांतर में राज्य के रूप में परिणित करने का कार्य किया। अगला हो गया आर्थिक गतिविधियां। जब मनुष्य ने पशुपालन सीखा, तो वह कुछ रूप से संगठित हुआ, परंतु अभी भी वो भ्रमणशील रहा। और कालांतर में जब उसने कृषि का कार्य शुरू किया, तो निश्चित रूप से एक क्षेत्र में किया होगा, अर्थात वह वहीं पर स्थायी रूप से निवास करने लगा। जब वह स्थायी रूप से निवास करने लगा, तो ऐसी स्थिति में उसके मन में यह विचार आया कि अधिक भूमि मेरे पास हो। और जब इस प्रकार की मन में भावनाएं आई, तो इसने विवादों को जन्म दिया। तो इस प्रकार कृषि के कारण लोगों का स्थायित्व हुआ और विवादों का जन्म हुआ। तो जो बुद्धिमान था, उसने इन पर न केवल शासन किया, बल्कि इनके विवादों का भी निपटारा करना शुरू किया। तो इस प्रकार वह उनका नायक बन बैठा और यह उनका राजा भी बन बैठा। तो आप हम लोगों ने सुना भी होगा कि पहले समय में जो राजा था, वो पुरोहित का कार्य भी करता था। जैसे कि हमने पहले देखा था धर्म के क्षेत्र में, कि वह प्राकृतिक घटनाओं से डराता था। तो वह क्योंकि कुछ प्राकृतिक चीजों को जान गया था, तो इस प्रकार जिसने इसको जान लिया, वो लोगों का नायक बन गया, अर्थात जो राजा है वो पुरोहित भी बन गया। तो इस प्रकार यह संगठन करने की जिम्मेदारी इसकी हो गई, क्योंकि इसने उन लोगों को डराया 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 तो, पर उन्होंने इसको संगठित भी किया और सुरक्षा का वचन ले लिया। तो इस प्रकार यह जो युद्ध और आर्थिक गतिविधियां हैं, इनके द्वारा राज्य का निर्माण हुआ। और अंत में हम देखते हैं राजनीतिक चेतना। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य जन्म से ही राजनीति के प्रति आकर्षित होता है, अर्थात वह सर्वश्रेष्ठ घोषित करने का प्रयास करता है। तो उपरोक्त जितने तत्व देखे, उसमें जो भी शक्तिमान रहा, शक्तिशाली रहा, बौद्धिक क्षेत्र में, तार्किक क्षेत्र में अन्य लोगों से आगे रहा, तो उसने राजनीतिक चेतना का विकास किया। अरस्तु ने भी कहा है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, और राज्य भी मानव की आवश्यकता है और वो पूर्ण कर सकता है। तो इस प्रकार जब राज्य होगा, तो मानव की आवश्यकता पूर्ण होगी और उसका विकास होता चला जाएगा। तो इस प्रकार राजनीतिक चेतना से मानव सामाजिक रूप से संगठित हुआ और एक राज्य का निर्माण हुआ। तो उपरोक्त सारे तत्वों को देखकर हमको विश्वास हो गया है कि राज्य न ईश्वर की कृति है, न शक्ति या समझौते का प्रत्युत्तर है, बल्कि यह क्रमिक विकास का परिणाम है। और हाँ, ये जान लीजिए कि जो राज्य का निर्माण हुआ है, इतनी हमने बातें की है, वह कुछ ही वर्षों में नहीं, बल्कि एक राज्य, इस राज्य को विकसित होने में हजारों वर्षों का समय लग गया है।
तो इस प्रकार एक राज्य का जो निर्माण हुआ, इसमें आपने ये भी देखा होगा कि हमने पहले जो मूल तत्व पढ़े थे राज्य के, तो उसमें जनसंख्या भी आ गया, भूक्षेत्र भी आ गया, सरकार भी है, शासक भी आ गया, ये सारे तत्व इसमें समाहित हो गए। तो निश्चित रूप से अभी तक के जितने सिद्धांत है जो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में दावा पेश करते हैं, उसमें यह ऐतिहासिक जो सिद्धांत है या प्रगतिवादी जो सिद्धांत है, यह ही सर्वश्रेष्ठ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह समझ आया होगा। आगे भी हम फिर कुछ पढ़ेंगे। धन्यवाद।